जिस हिसाब से महंगाई हो रही है उस हिसाब से हमें ऐसा लगता है कि हमारे मुल्क की सूरत हाल कुछ दिनों में ऐसी होने वाली है। चलो मोबाइल निकाल। भाई मेरे पास तो मोबाइल ही नहीं है। अबे टाइम खोटी मत कर, मोबाइल निकाल। भाई चेकिंग कर लो, नहीं है। अबे मार को गोली मार। अबे भाई गोली मत मार, मैं पैनाडोल गोली खा के आया हूँ। अबे ओ कॉमेडी नहीं चल रही यहाँ पर, मोबाइल निकाल। भाई चेकिंग कर लो, नहीं है मोबाइल। ओए छोटे चेक कर यार इसको। अबे गुड़गुड़ी क्या कर रहे हो? ये सही बोल रहा है, नहीं है इसके पास मोबाइल। अबे यार टाइम जाया कर दिया सारा, बैठ बाइक पे। ये किसका मोबाइल बजा? ओए छोटे ये तेरा मोबाइल है? सर मैं तो मोबाइल लाया ही नहीं हूँ। मोबाइल तो मेरे पास भी नहीं है, फिर ये किसका मोबाइल है? ओए सलवार उतार। भाई सलवार नहीं, लुंडे का ट्राउजर है। हाँ लुंडे का ट्राउजर उतार। नहीं उतार सकता। ओए उतार रहा या उतारूं, छे की छे तेरे अंदर। छोटे उतार यार। उस्ताद क्या सलवार उतारूं? अबे सलवार नहीं गोली उतार, कहाँ घुस गया यार मैं? अबे भाई मैं खुद उतार लूंगा। अबे तो उतार ना, जल्दी उतार, जल्दी उतार। अबे अंदर एक और है, थोड़ी हेल्प करा दे। भाई तू क्या कर रहा है? चल यार उतार, जल्दी उतार। अबे पैसा निकाल यार, ये भी उतार। ये नहीं उतार सकता। क्यों? ये एक मरतबा उतारी थी, बहुत पिटा था मैं। अबे उतार यार, जल्दी उतार चल। अबे अंदर एक और है। अबे कितने पजामे पहन के घूम रहा है, जल्दी पैसा निकाल। अबे छोटी मदद कराना है यार, तू खराब है। पूरी लुंडा की दुकान है। इसको भी उतार। हाँ उतार रहा हूँ। उतार उतार रहा हूँ ना। उतार रहा, नहीं उतार रहा, उतार रहा हूँ। अबे जल्दी उतार दे यार, टाइम कम है। मैं यार टाइम जाया कर रहा है, जल्दी उतार यार। नाड़ा खोल। नाड़ा नहीं खोल सकता। नाड़ा खोल के छोटे के चल उतार, सलवार भी उतार। अबे ये चड्डा कहाँ से आ गया? लोग नीले पीले नाड़े पहन के घूमते, तू तो नीले पीले चड्डे पहन के घूम रहा है। चल अब इसको भी उतार यार, इसके नीचे सामान है। हाँ तो सामान ही तो चाहिए। जो आप समझने वाला सामान नहीं, दूसरा सामान है। अगर तूने ये मोबाइल नहीं दिया ना तो तेरे जिस्म पे एक कपड़ा भी नहीं रहेगा। शराफत से निकाल दे, निकाल। देता हूँ, देता हूँ। अबे अबे मोबाइल भी शॉपर के अंदर छुपा हुआ है। मैंने तेरे कपड़े पहने तो उसको भी तो पहनाऊंगा। अरे यार इतना घटिया मोबाइल लेके घूम रहा है। चल यार छोटे पकड़ यार इसको। हाँ भाई हो गई डकैती। हाँ यार 50 सलवारें उतारने के बाद इतना सा मोबाइल मिला है। चलो लाओ, मिल्ट हो गया ना, अब टैक्स दो। चलो है? कौन सा टैक्स? ओ भाई डकैती टैक्स, किस चीज का टैक्स, क्या मतलब है? अबे भाई डकैती भी कौन सा टैक्स होता है? ओ भाई कोई भी कारोबार करोगे उसमें ना इन्वेस्टमेंट लगती है, सेल टैक्स लगता है। इसी तरीके से जब तुम डकैती करोगे उसका भी टैक्स देना पड़ेगा ना भाई। भाई जान मेरी बात सुनो, आप डकैती को ना हल्के में ले रहे हो, हम अपनी जान को खतरे में डाल के डकैती करते हैं। हमेशा मौत हमारे आंखों के सामने होती है, क्यों छोटे? अबे बोल ना। ओ भाई ये टोपी किसी और को कराना, तुम लोगों को आज तक किसी ने पकड़ा तो भाई ये टोपी मुझे क्यों करा रहे हो? चलो शाबाश टैक्स निकालो, टाइम नहीं जाया करो। चलो अबे यार ये डकैती पे कौन सा टैक्स लगा दिया यार इन्होंने? भाई जिस मुल्क में आप रह रहे हो इस मुल्क में हर चीज पे टैक्स लग रहा है, और अब डकैती पे भी टैक्स लगेगा। डकैती मत किया कर, टैक्स लग जाना है। सलवारे इतनी ना पहना कर, महंगाई का जमाना है। एक तो बंदा खा बहुत लेता है, निकालना अजाब हो जाता है। भाईजान कोरमा खाया था ना आपने? हाँ कोरमा खाया था। बीफ का था ना? हाँ बीफ का था, लेकिन आपको कैसे पता? अरे भाई बदबू सूंघ के बता दिया ना आपको कोरमा खाया था, एक्सपर्ट है आपका भाई। अच्छा चलो टैक्स निकालो। भाई कौन सा टैक्स? पॉटी टैक्स। पॉटी टैक्स? भाई ये कौन सा नया पॉटी टैक्स आ गया? अबे भाई आप इतने महंगे महंगे खाने खाते हो, पिज्जे खाते हो, बर्गर खाते हो, तो आप उसके भी तो पैसे दे रहे हो ना। तो जब खाने के पैसे दे रहे हो तो निकालने के पैसे नहीं दोगे क्या? और दूसरी बात ये है कि अगर आपका खाना पेट में फंस जाए और आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाए तो आप डॉक्टर के पास जाओगे, दवाइयों के पैसे दोगे ना? दोगे ना? तो भाई तो पॉटी टैक्स दे दो, इधर फारिग करो हमें। भाई मैं कैसे टैक्स दूं, मेरा पजामा तो वहां लटका हुआ है, मैं तो सब कुछ उतार के बैठा हूं। अरे भाई आप वापस आके पहन लो, मैं ऐसे करके आंख बंद कर लूंगा, सिंपल, जल्दी से टैक्स ला दो। लेकिन भाई ये पॉटी टैक्स का हिसाब क्या है? देखो भाई इट्स नॉट कॉम्प्लिकेटेड, इट्स वेरी सिंपल। दिस टैक्स एग्जिस्ट अकॉर्डिंग टू द मिकदार ऑफ पॉटी, ओके? अगर आप 400 ग्राम पॉटी करते हैं तो उसका टैक्स बनेगा 2000 रुपए, और अगर आप 400 करते हैं तो उसका डबल कर ले, और अगर आप 1 kg करेंगे तो भाई कैलकुलेशन कर लो, पढ़े लिखे आदमी लग रहे हो आप। अबे यार अब इस मुल्क में सुकून से बंदा हग भी नहीं सकता। भाई जिस मुल्क में आप रह रहे हो ना उस मुल्क में आप
पॉटी पे भी टैक्स लगेगा। पॉटी कम किया कर वरना टैक्स लग जाना है। खाना कम खाया कर महंगाई का जमाना है। आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। ओए होए आज भी खड़ी हुई है, आज तो दस सेट करके ही रहूंगा। ओए होए आज तो बड़ी प्यारी लग रही है यार, मुझे लग रहा है आज सेट हो जाएगी। कपड़े सुखाना तो एक बहाना है, असल में तुझे पटाना है। क्या हुआ, पट गई क्या? नहीं यार, मेहनत कर रहे हैं, मेहनती लोग हैं, कपड़े सुखाते सुखाते कभी तो पट ही जाएगी। सही कह रहा है, कपड़े सूख गए तेरे? हाँ अभी अभी फैलाए, अभी तो धूप पड़ रही है, थोड़ी देर में सूख जाएंगे। चलो बेटा टैक्स निकालो, शाबाश। टैक्स? टैक्स किस चीज का भाई? ओ भाई किस चीज का टैक्स, मुझसे क्या पूछ रहा है? ये तू कपड़े जो सुखा रहा है, अगर तू ड्रायर में डाल दे और वो जब ड्रायर चलेगा तो इतना बड़ा बिजली का बिल जब तेरे घर के अंदर आएगा तो ये बता गवर्नमेंट का फायदा होगा नहीं होगा? होगा तो होगा ना, तुम नुकसान कर रहे हो ना भाई धूप में कपड़े सुखा के। भाई लेकिन धूप तो अल्लाह की तरफ से नेचुरल है, इसका कैसा टैक्स? ओ भाई तू भी तो नेचुरल चीज था, कुदरती अल्लाह की तरफ से निकला था ना, तो भाई ये बता उसका पैसा लगा था नहीं लगा था? लगा था ना, लगा था। तो भाई इस चीज का भी तो पैसा होगा ना? लेकिन भाई धूप तो सारी दुनिया में फ्री है। ओ भाई पूरी दुनिया से हटके हमारा मुल्क पाकिस्तान है। अब एक बात बता, चल छोटी सी बात है, पानी आता है इधर? नहीं आता ना? नहीं। बिजली आती है इधर? नहीं। नहीं आती ना? गैस आती है? नहीं आती ना? तो भाई पूरी दुनिया में तो आती है ना, तो भाई हटके हुआ नहीं हुआ? चलो शाबाश धूप का टैक्स निकालो। चलो भाई लेकिन धूप का कैसा टैक्स? ओ भाई समझने की कोशिश ना कर और दिमाग पे जोर ना डाल, क्योंकि हालात जिस तरीके के चल रहे हैं इसमें धूप पे भी टैक्स लगेगा। धूप में कपड़े न सुखाया कर वरना टैक्स लग जाना है। विटामिन डी चाहते है, महंगाई का जमाना है। बुड्ढे को मार दे। क्या देख रहे हो हैं? यार वो रील देख के हंस रहा था यार। अच्छा हंस लिया? हाँ। चलो अब टैक्स निकालो। हैं? क्या टैक्स निकालो भाई, हंसने का टैक्स निकालो। भाई किस चीज का टैक्स? अबे भाई बोल रहा हूँ सुनाई नहीं दे रहा क्या? हंसने का टैक्स। भाई हंसने पे कौन सा टैक्स लगता है? ओ भाई हंसने पे टैक्स लगता है ना, पूछो कैसे? कैसे भाई? जब आप हंसते हो तो आपका जो ब्लड होता है ना, ब्लड खून बढ़ता है ना। हाँ। तो भाई जब आपका खून बढ़ता है, जब आपके अंदर खून कम होता है तो आप ब्लड लेने जाते हो? नहीं जाते? जाते हैं। तो वो पैसों से मिलता है ना। हाँ। तो भाई जब इतना हंस रहे हो, ब्लड बढ़ रहा, तो भाई टैक्स दो ना। यार भाई मुझे समझ नहीं आ रहा, मतलब ये क्या हिसाब किताब है हंसने पे टैक्स? भाई बिल्कुल सिंपल सा हिसाब है, देखो आपने एक मीम देखी और आप हंसे तो इस पे लगेगा 2,000 रुपए, और अगर आप करके ऐसे तो इसका डबल हो जाएगा, और अगर आप करके ऐसे भाई कहाँ जा रहे हो, जरा के बैठो, कोई मसला नहीं है। तो इसका हिसाब किताब लगा लो, कोई मसले की बात नहीं है। तो चलो अब टैक्स निकालो, आप बच्चे आपने बुड्ढे को मार दिया, तो इसका आपका बन जाएगा 2,000 रुपए। भाई ये किस किस चीज पे टैक्स लग रहा है इस मुल्क में? भाई जिस मुल्क में आप रह रहे हो ना, उस मुल्क में आप हंसने पे भी टैक्स लगेगा। तो भाई उम्मीद आज की वीडियो आपको। भाई कैसे बोल रहे हो, गा के बताओ ना। गा के कैसे? गा के ऐसे। जल्दी से सब्सक्राइब कर वरना टैक्स लग जाना है। बेल आइकन भी प्रेस कर, महंगाई का जमाना है। बेटा शादी को 6 साल हो गए, हमें दादा कब बना रहे हो? सलाम वालेकुम चाचा।